हेलो एवरीवन, मैं बीआर चौधरी, केमिस्ट्री फैकल्टी सीएलसी, और हम जनवरी 2020 7 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें फिजिकल का पोर्शन डिस्कस करेंगे अपन। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो सॉल्यूशन टॉपिक से है, एट 35 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर ऑफ CH2 इन कार्बन डाइसल्फाइड इज 512 mm ऑफ SG एंड दैट ऑफ एसीटोन इज 344 mm ऑफ SC। ए सॉल्यूशन ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड इन एसीटोन हैज ए टोटल वेपर प्रेशर ऑफ 600 mm ऑफ मर्करी। द फॉल्स स्टेटमेंट अमंगस्ट द फॉलोइंग इज, सो फर्स्ट स्टेटमेंट है ए मिक्सचर ऑफ 100 ml कार्बन डाइसल्फाइड एंड 100 ml एसीटोन हैज ए वॉल्यूम लेस देन 200 ml। सेकेंड ऑप्शन है कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन आर लेस अट्रैक्टेड टू ईच अदर देन टू देम सेल्व्स। हीट मस्ट बी एब्जॉर्ब्ड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द सोल्यूशन एट 35 डिग्री सेल्सियस। राउल्ट्स लॉ इज नॉट ऑबेड बाई दिस सिस्टम। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव डेविएशन सोल्यूशन। फॉर पॉजिटिव डेविएशन सोल्यूशन डेल्टा वी पॉजिटिव एंड एफ ए बी लेस देन एफ ए और एफ बी बी एंड डेल्टा एच पॉजिटिव। राउल्ट्स लॉ नॉट ऑबेड बोथ फॉर पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन एज वेल एज फॉर नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन। इन फर्स्ट ऑप्शन 100 ml फर्स्ट कंपोनेंट, सेकेंड कंपोनेंट इज ऑल्सो 100 ml, सो वॉल्यूम मस्ट बी मोर देन 200 ml, यानी डेल्टा वी पॉजिटिव होना चाहिए। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर ए पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन। एमगस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दैट विच वॉज नॉट प्रपोज्ड बाई डॉल्टन वॉज, वेन गैसेज कंबाइन और रिप्रोड्यूस्ड इन ए केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन ए सिंपल रेशियो बाई वॉल्यूम प्रोवाइडेड ऑल गैसेज आर एट द सेम टी एंड पी। केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स, दीज आर नेदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम्स, ऑल द एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास। तो सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ ऑल आर द पार्ट ऑफ डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, बट फर्स्ट इज गैलुसेक्स लॉ अकॉर्डिंग टू विच गैसेज कंबाइन इन सिंपल रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स एंड द प्रोडक्ट गैसेज फॉर्म्स आर ऑल्सो इन सिंपल रेशियो। द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज इक्वल टू 5 एंड स्पिन क्वांटम नंबर इज इक्वल टू +1/2। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताने, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इक्वल होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ स्पिन क्वांटम नंबर +1/2। सो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू n² एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n इज इक्वल टू 5 है, सो नंबर ऑफ ऑर्बिटल 25। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, गिवन दैट द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ई नोट ऑफ Cu+2Cu एंड Cu+Cu आर 0.34 वोल्ट एंड 0.522 वोल्ट रेस्पेक्टिवली, द ई नोट ऑफ Cu+2Cu+ इज गिवन दैट Cu+2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इन टू Cu, ई नोट इज इक्वल टू 0.34 वोल्ट, Cu+2 Cu+ इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट्स इन टू Cu, ई नोट इज इक्वल टू 0.522 वोल्ट। ई नोट फॉर Cu+2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट्स इन टू Cu, ये फाइंड आउट करना ई नोट। फॉर डेल्टा जी नोट ऑफ थर्ड रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन में से सेकेंड रिएक्शन को माइनस करेंगे तो रिजल्टेंट रिएक्शन आएगी, सो डेल्टा जी नोट फॉर थर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट फॉर फर्स्ट रिएक्शन माइनस डेल्टा जी नोट फॉर सेकेंड रिएक्शन।
delta G naught 3 equal hoga minus 1 into F into E naught is equal to delta G naught for first reaction minus N 2 into F into 0.34 minus 1 into F into 0.522. On solving, E naught is equal to 0.158 volt. So, option third is correct. For the reaction, A liquid converts into 2B gas. Delta U is equal to 2.1 kilocalorie. Entropy change is equal to 20 kilocalorie, 20 calorie per Kelvin at 300 Kelvin. Hence, delta G naught in kilocalorie is. First, we find out delta H. The relation between delta H and delta U is delta H is equal to delta U plus delta N RT. Delta N in gaseous state, delta N RT. So, delta H is equal to delta E 2.1 kilocalorie, 2.1 plus delta N. Delta N for this reaction is 2. The value of R is equal to 2 because the delta U is in kilocalorie and capital T, T is 300 Kelvin upon 1000 to convert in kilocalorie. Delta H is equal to 3.3 kilocalorie. Delta G is equal to, according to Gibbs energy equation, delta H minus T delta S. Delta H is equal to 3.3 minus T 300 entropy delta S, entropy change 20 upon may 1000. So, answer is minus 2.7 kilocalorie. Minus 2.7 kilocalorie. Question number 23. During the nuclear explosion, one of the product is strontium 90 with half life of 6.93 years. If 1 microgram of strontium 90 was absorbed in the bones of a newly born baby in place of Ca, how much time in years is required to reduce it by 90% if it is not lost metabolically? So, we want to calculate time taken for 90% completion of reaction or time taken for 90% reduction. T half is equal to 6.93 years and this is radioactive substance. So, first order kinetics follow hogi. T 90% is equal to 2.303 log base 10 100 upon may 10 by lambda and T half is equal to 2.303 log base 10 100 by 50 upon may lambda. So, T 90% by T 50% is equal to log base 10, log base 10 upon may log base 10 2. T 90% is equal to, T 90% is equal 1 upon 0.3 into T 50%. This is 23.03 years.
Next question 25. Two solutions A and B, each of 100 liter was made by dissolving 4 gram of NaOH and 9.8 gram of sulfuric acid in water respectively. The pH of the resultant solution obtained from mixing 40 liter of solution A and 10 liter of solution B is. The solution A is NaOH solution and solution B is sulfuric acid solution. Means solution A is basic solution and solution A is basic solution and solution B is acidic solution. So the normality of solution A is equal to 4 by 40 into 100. 10 की पावर माइनस 3. Normality of solution B means normality of sulfuric acid solution is equal to 9.8 upon में 49 100, 2 into 10 की पावर माइनस 3. On mixing, normality of resultant solution is equal to NbVb minus NaVa upon में Va plus Vb. Normality of resultant solution is equal to ten की पावर minus 3 into 40 minus 2 into 10 की पावर minus 3 into 10 upon में total volume 50 is equal to 10 की पावर minus 3 upon में 50 into 20. NR is equal to the normality of resultant solution means concentration of OH minus. The concentration of OH minus is equal to 2 by 5 into 10 की पावर minus 3. So POH is equal to 3 minus 3 plus log base 10 5 by 2 3 plus 0.4. POH is 3.4. So pH is 14 minus 3.4 means pH is equal to 10.6. So answer is 10.6. Thank you, students. Hello student, myself Parsi Deiwal, senior chemistry faculty, CLC Sikar. आज हम 7 जनवरी 2020 को JEE Main के inorganic और organic chemistry के paper की discussion करेंगे, जो morning shift में हुआ है. Let's see, first question है, a solution of metachloroaniline, metachlorophenol and metachlorobenzoic acid in ethyl acetate was extracted initially with a saturated solution of sodium bicarbonate to give fraction A. The leftover organic phase was extracted with dilute NaOH solution to give fraction B. The final organic layer was labeled as fraction C. Fraction A, B and C contain respectively. तीन कंपाउंडों का टर्नरी मिक्सर दिया हुआ है, उनको सेपरेशन की बारे में बात कर रहा है. प्रॉब्लम बिलोंग्स है प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से. तो सॉल्यूशन हम बात करें तो देखेंगे कि सबसे पहला कंपाउंड है वो है मेटाक्लोरोएनिलीन. एक कंपाउंड ये दिया हुआ है, दिस इज मेटाक्लोरोएनिलीन. सेकेंड कंपाउंड दिया हुआ है मेटाक्लोरोफिनोल. This is metachlorophenol. और थर्ड कंपाउंड दिया हुआ है वो है metachlorobenzoic acid. This is metachlorobenzoic acid. तीनों मिक्सर है. सबसे पहले एक्सट्रेक्ट करने के लिए जो सॉल्यूशन लिया है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट. सोडियम बाइकार्बोनेट अगर डालेंगे तो यू नो सोडियम बाइकार्बोनेट ओनली कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से रिएक्ट करेगा. तो यहाँ एसिड बेस रिएक्शन होगी, इन दोनों के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगी. तो यहाँ जब रिएक्शन होगी तो इधर बनेगा आपके पास एसिड बेस रिएक्शन के साथ CO2 गैस रिलीज हो जाएगी. ये CONA और Cl, ये आपका फ्रैक्शन आ जाएगा
ये फ्रैक्शन ए आ गया, सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन डालने के बाद। उसके बाद जो पीछे सॉल्यूशन बच गया उसमें मेटाक्लोरोफिनोल और मेटाक्लोरोएनिलीन दोनों बच गए, ये दोनों आपका लेफ्ट बिहाइंड सॉल्यूशन हो गया। नाउ सेकेंड इसने रिएक्ट करवाया है कि एनओएच सॉल्यूशन से, तो ये एनओएच सॉल्यूशन से जब रिएक्ट करवाएगा तो लेफ्ट बिहाइंड सॉल्यूशन में क्या क्या बचा था, मेटाक्लोरोएनिलीन एंड मेटाक्लोरोफिनोल। नेक्स्ट रिएक्ट करवाया एनओएच से, तो एनओएच रिएक्ट करेगा फिनोलिक ग्रुप से, एनिलीन के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगी, तो ये आपका फ्रैक्शन बी हो जाएगा, फ्रैक्शन बी फिनोल रिएक्ट करेगा और बनाएगा फिनोक्साइड आयन और लास्ट में जो लास्ट लेयर में जो सॉल्यूशन बचा वो आपका फ्रैक्शन सी हो जाएगा और जो फ्रैक्शन सी है वो ये जो बच गया मेटाक्लोरोएनिलीन। तो एक बार वापस से चेक कर लेते हैं कि सबसे पहले सोडियम बाइकार्बोनेट डाला तो फ्रैक्शन ए बना, तो फ्रैक्शन ए सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करेगा तो फ्रैक्शन ए बेंजोइक एसिड वाला ग्रुप हो गया। उस सॉल्यूशन में बच गए थे अपने पास मेटाक्लोरोएनिलीन और मेटाक्लोरोफिनोल। फिर सेकेंड रिएजेंट लिया हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड जो केवल फिनोलिक ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा तो ये फ्रैक्शन बी बन गया और लास्ट में अपने पास बच गया वो एनिलीन बच गया फ्रैक्शन सी। दैट मींस आंसर जो होगा वो ए बी सी रेस्पेक्टिवली पूछे हैं, मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड, मेटाक्लोरोफिनोल और मेटाक्लोरोएनिलीन। ये आपका फ्रैक्शन ए है, ये फ्रैक्शन बी है और ये फ्रैक्शन सी है। आंसर शुड बी फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। दो कंपाउंड आपको दिए हुए हैं और द प्रोडक्ट एक्स इज यूज्ड। जो यहाँ प्रोडक्ट बनेगा उसका यूज्ड क्या है वो ऑप्शन आपको चूज करना है। क्वेश्चन बिलोंग करता है एन कंटेनिंग कंपाउंड ऑर्गेनिक से और इसके यूज हम आयनिक इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में इसका यूज आता है, एसिड बेस टाइट्रेशन में यूज आता है। कैसे हुआ है देखिए, सबसे पहले इस रिएक्शन को फोकस करते हैं। तो ये रिएक्शन जो है वो रिएक्शन है कपलिंग रिएक्शन, मतलब सबसे पहले हमने रिएक्शन को आइडेंटिफाई किया और रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने के बाद हमें ये पता लगा कि ये रिएक्शन जो है वो है कपलिंग रिएक्शन। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट बनाएं, तो हमें एक दिया हुआ है एन एन डाई मिथाइल एनिलीन, साथ में दिया हुआ है डायजोनियम सोल्ट और डायजोनियम सोल्ट जो है उसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, इसे आसान रहेगा हमें समझने में। इधर लगा हुआ है SO3 माइनस Na प्लस और यहाँ पे N 2 प्लस। तो हमें पता है यहाँ जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन जो कपलिंग रिएक्शन है वो है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल। तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करने वाला है और जो डायजोनियम सोल्ट है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करने वाला है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। इसकी पैरा पोर्शन पे ये यहां से अटैक करेगा और ये एग्जाम्पल है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का। तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ये डाइमिथाइल एनिलीन और यहां एजो ग्रुप जनरेट हो जाएगा एन डबल बोंड एन और फाइनली जो प्रोडक्ट बना है वो ये बना है एसओ थ्री एन ए प्लस।
दिस कंपाउंड नोन एज मिथाइल ऑरेंज, इस कंपाउंड का जो नाम है वो है मिथाइल ऑरेंज। और यू नो मिथाइल ऑरेंज यूज लेते हैं हम टाइट्रेशन में, एसिड बेस टाइट्रेशन में एज ए इंडिकेटर हम इसको यूज में लेते हैं। तो इस कंपाउंड का यूज पूछा है तो आंसर शुड बी थर्ड इन एसिड बेस टाइट्रेशन एज एन इंडिकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन किलो जूल पर मोल ऑफ फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन रेस्पेक्टिवली आर। आपको चार डेटास दिए हुए हैं और इन चार डेटाओं को अरेंज करना है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के ऑर्डर में। यू नो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी व्हेन वन इलेक्ट्रॉन एडेड इन आइसोलेटेड गैसेस एटम सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बट यहां पे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन चार एलिमेंट्स के रेस्पेक्ट में बात कर रहा है और आपको चार डिफरेंट वैल्यू दी हुई है। तो हमें पता है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम होती है, मतलब मैं ये कहूं कि थर्ड पीरियड एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकंड पीरियड एलिमेंट से ज्यादा होती है। वो इसलिए होता है क्योंकि थर्ड पीरियड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम होती है, जो कमिंग इलेक्ट्रॉन होगा वो कम रिपल्सन फील करेगा तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, और इसलिए फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की होने वाली है। तो मैक्सिमम क्लोरीन की होती है, तो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो है -349 गिवन डेटाज में से। फिर सेकंड नंबर पे फ्लोरीन की होती है, फ्लोरीन जो सेकंड नंबर पे फ्लोरीन जो वैल्यू बेस होगा तो वो -333। थर्ड नंबर पे होती है Br की, तो Br की हो जाएगी -325 और आयोडीन की हो जाएगी -296। नाउ अब हमें इसको अरेंज करना है, तो फ्लोरीन की -33, क्लोरीन -349, ब्रोमीन -325, आयोडीन 296, मतलब आंसर शुड बी 4 and 4 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मैच द फॉलोइंग, आपको इधर कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं और उनकी डिजीज के बारे में बोला हुआ है। ये क्वेश्चन बिलोंग कर रहा है विटामिन से रिलेटेड जो चैप्टर में है आपके बायोमोलिक्यूल्स वाले जो चैप्टर में है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जेई इन चैप्टर पे कुछ ज्यादा फोकस दे रहा है। लेट्स सी, देखते हैं प्रॉब्लम क्या है कि आपको कॉलम मैचिंग का क्वेश्चन दिया है, राइबोफ्लाविन थायमिन पिरिडोक्सिन और एस्कॉर्बिक एसिड। तो मैं बता देता हूं कि जो राइबोफ्लाविन है उसका अदर नेम है विटामिन बी टू, इसका नेम है विटामिन B2, और थायमिन का नेम है वो है विटामिन B1, और पिरिडोक्सिन को बोलते हैं हम विटामिन B6, और एस्कॉर्बिक एसिड को बोलते हैं विटामिन C। मतलब आपको चार विटामिन के बारे में बोला हुआ है, विटामिन B2, विटामिन B1, विटामिन B6 और विटामिन C, और इनकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होगी उसके बारे में पूछा है। तो इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, टेबल याद होनी चाहिए। तो अगर फिर भी थोड़ा सा अगर ध्यान से ऑप्शन को देखें तो इजी वे में इसका आंसर निकाला जा सकता है। यू नो कि विटामिन B1 जनरली सभी को याद रहता है, विटामिन B1 से जो डिजीज होती है वो बेरी बेरी होती है, और विटामिन C से एस्कॉर्पिक एसिड से जो डिजीज होती है वो इसकी डेफिशिएंसी से जो डिजीज होती है वो स्कर्वी है। तो हमें दो का पता है तो भी बाकी हम सर्च कर सकते हैं। तो देखो सेकंड में ए आएगा, ये कंफर्म होना चाहिए आपको। तो सेकंड में ए वैसे भी एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, फिर भी हम चेक कर लेते हैं कि फर्स्ट में सी, मतलब यहां से क्यूलिसिस होगा, और लास्ट जो हमारे पास पता सेकंड से ए बेरी बेरी हो जाएगा, थर्ड डी कन्वर्जेंस होगा, और लास्ट फोर्थ से बी स्कर्वी होगा। तो आंसर शुड बी फर्स्ट। इजी सी प्रॉब्लम थी, लग रहा है कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट अगर आपको एक विटामिन B1 का पता है जो जनरली हम लोअर क्लासेज में पढ़ के आते हैं उससे ऑप्शन सेट हो रहे थे तो आंसर शुड बी फर्स्ट। द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इंट्राइनिक डिस्टेंस इंटरमोलिकुलर फोर्सेज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। आपको तीन तरह के फोर्सेज दिए हुए हैं, आयन आयन, आयन डायपोल और डायपोल डायपोल। इनकी स्ट्रेंथ का ऑर्डर को अरेंज करना है। प्रॉब्लम बिलोंग करती है गैसेस स्टेट में भी है,
इनऑर्गेनिक की केमिकल बॉन्डिंग में सेकेंडरी फोर्सेस का ऑर्डर भी हो सकता है। तो अगर यहाँ हम देखें इन तीनों का ऑर्डर, तो इनमें रिलेशन होता है कि जहाँ इंट्रैक्शन एनर्जी ज़्यादा होगी उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, और इंट्रैक्शन एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, तो मैं लिख देता हूँ कि ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रैक्शन एनर्जी सबसे स्ट्रॉन्ग जो फोर्स होगा वो होगा आयन आयन, उसके बाद होगा आयन डायपोल, और यहां जो गिवन है उनमें सबसे वीक जो फोर्स होगा वो होगा डायपोल डायपोल। तो इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपका आंसर होना चाहिए थर्ड, थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एटॉमिक रेडियस ऑफ ए जी इज क्लोजेस्ट टू, एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर पूछा है, तो डी ब्लॉक का एलिमेंट है ए जी, और यू नो कि डी ब्लॉक में हम तीन सीरीज पढ़ते हैं 3D, 4D एंड 5D सीरीज। 3D, 4D, 5D सीरीज में अगर मैं बात करूं केवल थर्ड ग्रुप की, जहां स्कैंडियम है, इट्रियम है और लेंथेनम है, यहां जो रेडियस का ऑर्डर आता है इन एलिमेंट्स के लिए रेडियस का ऑर्डर आता है 5D, 4D और उसके बाद 3D। बट ये जो एलिमेंट है इसके बाद जितने भी एलिमेंट आते हैं, जैसे हम इस ग्रुप की बात करें कॉपर, Ag और Au, इस ग्रुप की बात करें, तो यहाँ कॉपर से Ag की तरफ जाता हूँ तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है। इसका रीज़न ये है कि नंबर ऑफ सेल क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। बट Ag से Au की तरफ जाता हूँ तो दो फैक्टर काम करते हैं, Ag से Au की तरफ जाऊँगा तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होंगे तो ऑब्वियसली रेडियस इंक्रीज होगी, बट दूसरा हमें पता है कि लेंथेनम के बाद लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन डोमिनेट हुआ है, तो यहां दो फैक्टर लगे हैं कि सेल भी इंक्रीज हुआ है, सेल इंक्रीज हुआ तो ऑब्वियसली साइज इंक्रीज होनी चाहिए, दूसरा ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन जेड इफेक्टिव इंक्रीज हुआ है। ये क्यों इंक्रीज हुआ, ड्यू टू LN कॉन्ट्रैक्शन, और यू नो कि जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो साइज डिक्रीज होती है, तो दो फैक्टर चल रहे हैं, सेल इंक्रीज साइज इंक्रीज हुआ, जेड इफेक्टिव बढ़ा साइज डिक्रीज हुआ, दोनों फैक्टर एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे तो ऑलमोस्ट यहां साइज Ag और Au की साइज ऑलमोस्ट क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। तो इसने पूछा कि Ag की साइज किसके क्लोजेस्ट होगी, तो आंसर शुड बी फर्स्ट, फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन कंपैरिजन टू द जियोलाइट प्रोसेस फॉर द रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस द सिंथेटिक रेजिन मेथड इज, हाइड्रोजन वाले चैप्टर 11th एनसीईआरटी से बिलोंग करता है, 11th की एनसीईआरटी में हाइड्रोजन वाला चैप्टर है, उसमें वाटर की हार्डनेस दी हुई है, टेम्परेरी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस, और हार्डनेस को रिमूव करने के अलग अलग मेथड दिए हैं, उसमें से दो मेथड हैं, एक जियोलाइट प्रोसेस की बात कर रहा है और दूसरे मेथड की बात कर रहा है सिंथेटिक रेजिन्स मेथड। ये दोनों ही हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के काम में आते हैं, बट आप देखेंगे कि जियोलाइट प्रोसेस है वो जियोलाइट प्रोसेस ओनली यूज फॉर रिमूविंग केटाइन, जियोलाइट प्रोसेस केवल हार्डनेस आई है कैल्शियम आयन से, मैग्नीशियम आयन से, उनको रिमूव करने के लिए यूज में आती है, जबकि सिंथेटिक रेजिन जो है वो केटाइन और एनाइन दोनों को रिमूव करता है, इसलिए बेटर हो गया सिंथेटिक रेजिन मेथड, क्योंकि केटाइन और एनाइन दोनों की इंप्यूरिटीज को रिमूव करता है। तो ऑप्शन को चेक करते हैं, मोर एफिशियंट एज इट कैन एक्सचेंज बोथ केटाइन एज वेल एज एनाइन, एफिशियंट भी ज्यादा यही होगी क्योंकि दोनों केटाइन और एनाइन को करते हैं, तो फर्स्ट आंसर बेटर ऑप्शन नजर आ रहा है। सेकंड की बात करें, मोर एफिशियंट एज इट कैन एक्सचेंज ओनली केटाइन, गलत है क्योंकि केटाइन और एनाइन दोनों को एक्सचेंज करता है सिंथेटिक रेजिन, लेस एफिशियंट नहीं है, दोनों को कर रहा है तो मोर एफिशियंट हो गया, लेस एफिशियंट एज इट एक्सचेंज ओनली एनाइन, ये भी गलत है, तो आंसर शुड बी फर्स्ट, फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम इन K2O, K2O2 एंड KO2 रेस्पेक्टिवली, सबसे इजी, इस पेपर का सबसे इजी प्रॉब्लम है क्वेश्चन, बस ध्यान ये रखना था कि उसने जनरली ये क्वेश्चन जब भी बनता है तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात होती है, बट इसमें पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की है, और यू नो एल्कली मेटल ऑलवेज हैव +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बात करें सबसे पहले K2O की, दिस इज मोनो ऑक्साइड, पोटेशियम +1 में है, ऑक्सीजन -2 में है। सेकेंड बात करें हम
K2O2 की, दिस इज परोक्साइड और यहां ये 2K+ O2-2। थर्ड बात करें हम KO2 की, दिस इज सुपर ऑक्साइड K+ O2-। तो यूनू पोटेशियम की ऑक्साइड सब में प्लस वन होती है और वैसे भी ऑलवेज प्लस वन ही होती है, तो पोटेशियम की आंसर शुड बी फोर्थ इज करेक्ट आंसर। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन? इस क्वेश्चन में आपको कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग दिया हुआ है, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर इसकी ड्रा करनी पड़ेगी, उसके बाद NaBH4 का क्या फंक्शन होगा, PbBr3 का क्या फंक्शन होगा, मैग्नीशियम ईथर का क्या फंक्शन होगा, CO2 और हाइड्रोलाइसिस के अवर आपको बेटर ऑप्शन चूज करना है। तो कंपाउंड जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है हेक्स 3 आयन एल, मतलब ट्रिपल बॉन्ड है तीन नंबर पे, एल का मतलब एल्डिहाइडिक ग्रुप है। तो हम बात करें कार्बन, 6 कार्बन आपको अरेंज करने हैं, ये 6 कार्बन और ये एल्डिहाइडिक ग्रुप। तीन नंबर पे नो डाउट IPAC के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप की तरफ से होगी, तो ये 1 है 2 है 3 है, तीन नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, ये कंपाउंड हो गया हेक्स 3 आयन एल। इस कंपाउंड की रिएक्शन करवाइए NaBH4 से, तो यू नो कि NaBH4 क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट है तो रिडक्शन किसका करेगा, इसमें ट्रिपल बॉन्ड भी है कार्बोनिल ग्रुप भी है, तो NaBH4 डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं करता है, केवल एल्डिहाइडिक ग्रुप का रिडक्शन करेगा। तो यहां NaBH4 के साथ इसका रिडक्शन होगा, और एल्डिहाइड का जब रिडक्शन होता है तो एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, तो यहां जो फर्स्ट कंपाउंड जो बनेगा आफ्टर रिएक्शन विथ NaBH4 वो ये बन जाएगा CH2OH, एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। देन सेकंड रिएजेंट आपको दिया हुआ है PbR3, तो PbBr3 ब्रोमिनेशन करेगा, OH ग्रुप को हटाएगा और यहां ब्रोमीन सप्लाई कर देगा वाया SN2 रिएक्शन, तो फिर यहां पे Br सप्लाई हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो कंपाउंड बनेगा वो ये वाला बन जाएगा। फिर दिया हुआ है मैग्नीशियम ईथर, तो आपको पता है कि एल्किल हैलाइड ड्राई ईथर की प्रेजेंस में मैग्नीशियम से रिएक्ट करके वेल नोन एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बनाते हैं जिसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो यहां मैग्नीशियम और ईथर के साथ रिएक्शन करने के बाद जो कंपाउंड बनेगा वो ये वाला बनेगा। MgBr ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यहां नेगेटिव चार्ज है और ये पूरा कंपाउंड आपके पास बिहेव करेगा जस्ट लाइक न्यूक्लियोफाइल। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाओगे तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जनरेट होगा। तो फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा आफ्टर हाइड्रोलाइसिस, पहले एडिशन होगा उसके बाद H3O+ जो करेगा वो हाइड्रोलाइसिस करेगा और इस जगह एक कार्बन एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा और COH ग्रुप जनरेट हो जाएगा। तो फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला जनरेट हो जाएगा COH। आपको ये ऑप्शन चेक करना है कि ऑप्शन कहाँ है। सबसे पहले आप कार्बन चेक करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सेवन कार्बन होने चाहिए विथ ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि मैंने पहले बोला था कि डबल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं करता, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ऑप्शन केवल थर्ड, तो करेक्ट आंसर थर्ड। ये क्वेश्चन अच्छा है, सभी बच्चे जानते हैं कि HBr की रिएक्शन होती कैसे है, ये सबको पता है, बट क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो वो होती है कि 1-methyl ethylene oxide, दिस इज ए कॉमन नेम, तो आप अगर उसकी स्ट्रक्चर बना लेते हो तो रिएक्शन का पार्ट इजी हो जाता है। 1-methyl ethylene oxide की स्ट्रक्चर है, यू नो इथाइलिन ऑक्साइड हम इपोक्सी को बोलते हैं, इपोक्साइड इस कंपाउंड को हम बोलते हैं इथाइलिन ऑक्साइड, बट 1 नंबर पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो ये 1-methyl ग्रुप यहां पे ये मिथाइल ग्रुप लग जाएगा, तो दिस कंपाउंड इज 1-methyl ethylene oxide। रिएक्शन करवा रहा है एक्सेस में HBr दिया हुआ है, तो HBr अगर डालेंगे तो यू नो HBr
एसिड की तरह बिहेव करता है, ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी लोन पेयर है, तो फर्स्ट ऑफ एसिड बेस रिएक्शन की पॉसिबिलिटी जनरेट होगी, तो एच प्लस अटैक करेगा ऑक्सीजन पे। तो जैसे ही ऑक्सीजन पे अटैक करेगा जो तो फर्स्ट कंपाउंड बनेगा वो बनेगा ओ एच प्लस और इधर आपके पास ये सी एच थ्री। नाउ न्यूक्लियोफाइल आपके पास है बी आर माइनस, बी आर माइनस के पास दो पॉसिबिलिटी है कि रिंग ओपन इस वे से भी कर सकता है, इस वे से भी कर सकता है, बट उस वे से करेगा जिधर से स्टेबल कार्बोकेटाइन जनरेट होता हो। तो अगर मैं इस डायरेक्शन में अटैक करवाता हूं तो यहां पे दो पॉसिबिलिटी है कि अगर इस डायरेक्शन पे अटैक करता है तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां, तो यहां पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ, यहां पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ है तो आप देखें उस पॉजिटिव के पास दो अल्फा हाइड्रोजन इधर से है, तीन अल्फा हाइड्रोजन इधर से है, फाइव अल्फा हाइड्रोजन है, वो मोर स्टेबल बन रहा है। अगर इधर से अटैक करवाओगे तो ओनली है वन अल्फा हाइड्रोजन, तो ये वे सही होगा। तो यहां जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा सी एच थ्री, इधर ये रिंग ओपन हो गई, इधर से ये ग्रुप बाहर हो गया तो ये ओ एच, और इधर जनरेट हो गया आपके पास ये बी आर का अटैक हो गया। नाउ एल्कोहल भी एच बी आर के साथ रिएक्शन करता है, यू नो कि एच बी आर हमें एक्सेस में दिया हुआ, तो एक बार वापस से रिएक्शन होगी, वापस से एसिड बेस रिएक्शन होगी, एच प्लस को एक्सेप्ट करेगा ओ एच और जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा सी एच थ्री और ये ओ एच टू पॉजिटिव और यहां आपके पास ऑलरेडी बी आर पहले से है। अब वापस से बी आर माइनस अटैक करेगा तो ओ एच टू ये जो ग्रुप है ये है वेरी गुड लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप, तो ये बाहर होगा और यहां पे बी आर सप्लाई हो जाएगा और जो फाइनल आंसर आएगा वो सी एच थ्री बी आर और इधर भी आपके पास जनरेट हो गया बी आर और ये बी आर। इसको आपको चेक करना है कि ये ऑप्शन में आपको दिया हुआ है क्या, और इसको चेक करते हैं तो फर्स्ट आंसर आता है, तो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पी के बी फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड, तीन कंपाउंड दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन बिलोंग करता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, बेसिसिटी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम बात करें बेसिसिटी का तो यहां पी के बी वैल्यू पूछी है, तो यू नो कि बेसिसिटी जो है वो के बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और पी के बी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर हम बेसिसिटी ऑर्डर डिफाइन कर लें तो उसका जस्ट अपोजिट ऑर्डर पी के बी का होगा। बेसिसिटी ऑर्डर डिसाइड करें तो हम बात करेंगे कि लोन पेयर इजीली अवेलेबल कहां होगा, जब एच प्लस अटैक करेगा तो इजीली लोन पेयर कहां अटैक होगा। तो आप देखें यहां पे लोन पेयर इस नाइट्रोजन के पास भी है और इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, ये लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो कमिंग जो प्रोटोन है उसको इजीली अवेलेबल नहीं होंगे ड्यू टू डीलोकलाइजेशन और ये इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो इस कंपाउंड में प्रोटोनेशन साइट जो होगी वो यहां होगा, एच प्लस यहां अटैक करेगा। यहां तीन नाइट्रोजन है, तीनों के पास लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है और इसके पास भी लोन पेयर है, इस नाइट्रोजन के लोन पेयर और इस नाइट्रोजन के लोन पेयर इस डबल बोन के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, डीलोकलाइज हो रहे हैं, ये डीलोकलाइज नहीं हो रहे, मतलब अगर सेकेंड कंपाउंड में प्रोटोनेशन होगा तो दिस नाइट्रोजन इज मोर बेसिक, यहां प्रोटोनेशन होगा। थर्ड में डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा है तो यहां प्रोटोनेशन होगा। अब अगर बात करें तो इसमें भी अनडीलोकलाइज लोन पेयर नाइट्रोजन, ये लोन पेयर भी अनडीलोकलाइज है और ये लोन पेयर भी अनडीलोकलाइज है। अब अगर हम बात करते हैं कि जब बेसिसिटी शो होता है तो जो कॉन्जुकेटेड एसिड बनता है वो कॉन्जुकेटेड एसिड जहां मोर स्टेबल होगा उसकी बेसिसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो अगर फर्स्ट कंपाउंड बेसिसिटी शो करेगा तो ये कंपाउंड बनाएगा एनएच टू सी एच डबल बोंड एनएच टू और ये पॉजिटिव, मैंने पहले बोल दिया है कि प्रोटोनेशन साइट ये वाली है, ये हो गया फर्स्ट कंपाउंड का कॉन्जुकेटेड एसिड। यू नो कि कॉन्जुकेटेड एसिड स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, ये रेजोनेंस द्वारा स्टेबलाइज है। अगर मैं कंपाउंड बी की बात करूं तो मैं यहीं पे दिखा देता हूं कि एच प्लस जो अटैक करेगा वो एच प्लस अभी इस साइड पे करेगा तो ये एच प्लस और ये बी कंपाउंड का कॉन्जुकेटेड एसिड बन जाएगा। थर्ड कंपाउंड का कॉन्जुकेटेड एसिड बनेगा तो यहां पे एनएच टू और ये पॉजिटिव यहां बन जाएगा। अब देखें इसका कॉन्जुकेटेड एसिड रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है, इसका कॉन्जुकेटेड एसिड भी रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है, यहां कोई एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी नहीं आ रही, केवल दो सी एस थ्री का प्लस आई लग रहा है जबकि वहां रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है। तो कॉन्जुकेटेड एसिड की स्टेबिलिटी देखें तो यहां भी रेजोनेंस हो रहा है
और यहां भी रेजोनेंस हो रहा है, बट आप देखो इसमें केवल वन साइड से रेजोनेंस हो रहा है, इसमें दो साइड से रेजोनेंस हो रहा है। इसका मतलब मोस्ट स्टेबल कॉन्जुगेटेड एसिड स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड एसिड सबसे ज्यादा बी का। मैं फिर बोल देता हूं, बी ज्यादा स्टेबल क्यों हुआ, क्योंकि दोनों साइड से रेजोनेंस शो कर रहा है, फिर उसके बाद ए और उसके बाद सी। ये स्टेबिलिटी है कॉन्जुगेटेड एसिड की, और जो अगर कॉन्जुगेटेड एसिड की स्टेबिलिटी है तो बेसिसिटी या फिर केबी वैल्यू का जो ऑर्डर होगा वो भी यही होगा, बी ए और सी। क्वेश्चन में पूछा है पी केबी का ऑर्डर, तो जस्ट इसका हम मैंने शुरू में बोला है कि केबी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी केबी, तो आंसर होगा सी ए और ये बी, ये ऑर्डर होगा पी केबी का। तो आप देखें कि सी ए बी कहां आपको आंसर ऑप्शन में दिया हुआ है, तो अगर बात करें तो सबसे ज्यादा सी फिर ए फिर बी, तो करेक्ट आंसर इज थर्ड। आई होप कि प्रॉब्लम समझ में आई होगी। अच्छा क्वेश्चन है, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कॉमर्शियल आयरन इज, मेटलर्जी से बिलोंग कर रहा है, हम पढ़ते हैं कि आयरन अलग अलग टाइप के होते हैं, आपको दिया हुआ कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कॉमर्शियल आयरन कौन से, डिट्टो एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन आया हुआ है, रोट आयरन है, पिग आयरन है, कास्ट आयरन है, स्क्रैप आयरन एंड पिग आयरन। तो प्योरेस्ट फॉर्म जो होती है वो होती है रोट आयरन, जिसको हम मेलेबल आयरन भी बोलते हैं, प्योरेस्ट आयरन पूछा। और ये रोट आयरन को बनाने का मेथड क्या है, कास्ट आयरन को हम ऑक्सीडाइजिंग करते हैं बाय लाइंड ऑफ हेमेटाइड, तब हमें मिलता है रोट आयरन। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कॉमर्शियल आयरन इज रोट आयरन, तो आंसर शुड बी फर्स्ट, एंड फर्स्ट आंसर इज करेक्ट आंसर, दिस इज बिलोंग्स टू मेटलर्जी। द आईपेक नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स, एक आपको कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है और उसका आईपेक नेम पूछा है, ये प्रॉब्लम बिलोंग कर रही है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, 12th एनसीईआरटी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं इस कंपाउंड को, तो आप पहले कंपाउंड को ध्यान से देखें कि यहां जो लिगेंड दिए हुए हैं, एक NH3 दिया हुआ है, तो NH3 का कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इस लिगेंड का नाम होता है एमीन। सेकेंड आपको एक लिगेंड दिया हुआ है Cl, Cl को क्लोरिडो बोलते हैं, एक दिया हुआ आपको CH3NH2, CH3NH2 को हम बोलते हैं मिथाइल एमीन या मेथेन एमीन, तो इसका नाम है मेथेन एमीन। तीन तरह के लिगेंड दिए हुए हैं, Cl एज ए काउंटर आयन प्रेजेंट है, तो और हमें नेमिंग करते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट की भी रिक्वायर्ड होती है, तो इस कंपाउंड का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगा तो इसको मैं मान लेता हूं अक्स, इस पे चार्ज होता नहीं है, न्यूट्रल लिगेंड है तो 0, Cl का -1, इस पे भी न्यूट्रल लिगेंड हो, ये भी न्यूट्रल लिगेंड होता है तो +0 इक्वल टू +1, तो ओवरऑल ऑक्सीजन स्टेट निकालोगे तो कंपाउंड की ऑक्सीजन स्टेट आने वाली है सेकंड, +2 में आपके पास कंपाउंड है। अब जब नेमिंग करते हैं तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करना होता है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर अरेंज करना होता है, तो सबसे पहले NH3 का एमीन बोला तो ए से स्टार्ट हो रहा है, बट NH3 अपने पास दो है तो डाई एमीन, यू नो कि डाई ट्राई दीज न्यूमेरिकल प्रीफिक्स डू नॉट कंसीडर इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर, तो यहां इसका अल्फाबेटिकली ऑर्डर चेक होगा ए से, इसका अल्फाबेटिकली ऑर्डर चेक होगा सी से, और इसका अल्फाबेटिकली ऑर्डर चेक होगा एम से। अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करना है, NH3 दो है तो डाई एमीन सबसे पहले ये लिखा जाएगा, डाई एमीन देन क्लोरिडो, फिर ये कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है तो मेथेन एमीन और सेकंड क्लोराइड, तो इसका मतलब आंसर जो जाएगा वो सेकंड, सेकंड इज करेक्ट आंसर। द डायपोल मोमेंट ऑफ CCl4, CsCl3 एंड CH4 आर इन द ऑर्डर, आपको तीन कंपाउंड दिए हुए हैं और इनका डायपोल मोमेंट के ऑर्डर में अरेंज करना है, यू नो CCl4 एंड CH4 एंड CHCl3, ये दोनों कंपाउंड जो हैं वो सिमेट्रिक हैं, और जो CHCl3 है ये जो कंपाउंड है वो एसिमेट्रिक कंपाउंड है, तो सिमेट्रिक कंपाउंड का डायपोल मोमेंट जीरो होता है, मतलब ये दोनों कंपाउंड जो होंगे
वो होंगे नॉन पोलर। CHCl3 एसिमेट्रिक कंपाउंड है तो ये कंपाउंड होगा पोलर। ऑर्डर अरेंज करना है, डायपोल मोमेंट दोनों का जीरो है तो CCl4 और CH4 का डायपोल मोमेंट इक्वल होगा और CHCl3 का डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा। तो इस कंसेप्ट से अगर देखें तो ज्यादा नहीं होगा, यहाँ पे बॉन्ड की पोलरिटी की बात नहीं कर रहा है, टोटल कंपाउंड की पोलरिटी की बात कर रहा है, कंपाउंड तो नॉन पोलर है तो आंसर शुड बी फर्स्ट, फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ये केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है डायपोल मोमेंट से। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शंस, चार रिएक्शन आपको दी हुई है, ए एक रिएक्शन ए बी सी ओ डी, विच ऑफ दिस रिएक्शंस विल नॉट प्रोड्यूस सेचे प्रोडक्ट। रिएक्शन बिलोंग करती है हाइड्रोकार्बन चैप्टर से। हमें पता है कि जब एलिमिनेशन रिएक्शन होती है तो दो प्रकार की एल्किन बनने की पॉसिबिलिटी होती है, एक होती है होपमैन एल्किन, पहले इस कंसेप्ट को समझे, होपमैन एल्किन, और एक होती है वो होती है सेजेप एल्किन। यदि ड्यूरिंग एलिमिनेशन रिएक्शन मोर देन वन पॉसिबल एल्किन फॉर्म्ड, यदि एक से ज्यादा एल्किन बनने की पॉसिबिलिटी है तो होपमैन एल्किन किसको बोलेंगे, लेस स्टेबल एल्किन, और सेजेप एल्किन बोलते हैं मोर स्टेबल एल्किन। तो क्वेश्चन में यह पूछा है कि किस में सेजेप एल्किन नहीं बनेगी या सेजेप प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो अगर स्टेबल एल्किन बन रही है तो सेजेप प्रोडक्ट है, लेस स्टेबल एल्किन बन रही है तो हाफमान है। आप इस चीज को ध्यान रखें, दिमाग में रखें कि हाफमान एल्किन में उसको बोल रहा हूं जो लेस स्टेबल है और सेजेप एल्किन में उसको बोल रहा हूं जो मोर स्टेबल एल्किन है। अब इन सभी के हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम देखेंगे कि ये आप ध्यान रखेंगे कि सेजेप किसको बोला है और हाफमान किसको बोला है। तो जो फर्स्ट कंपाउंड है वो है कार्बन कार्बन और ये कार्बन और सी एच OH एंड CH3 कंसंट्रेट H2SO4 E1 मैकेनिज्म। यू नो कि एलिमिनेशन रिएक्शन की अलग मैकेनिज्म होती है, E1 भी होती है, E2 भी होती है, EI भी होती है, E1CB भी होती है। एसिडिक मीडियम में एल्कोहल अनस्टेबल होता है, ऑक्सोनियम आयन बनाएगा, उसके बाद E1 मैकेनिज्म से एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल H+ OH पे अटैक करेगा, अटैक करने के बाद जो कंपाउंड बनेगा वो ये वाला कंपाउंड बनेगा CHOH2 पॉजिटिव CH3। वेरी गुड लिविंग ग्रुप, अभी पीछे एक प्रॉब्लम आई थी उसमें भी मैंने OH2 को गुड लिविंग ग्रुप बोला था। ये यहां से बाहर निकलेगा और कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, जो फर्स्ट कार्बोकेटाइन बनेगा वो ये वाला बनेगा। अगर कार्बोकेटाइन बना है तो अगर उसमें रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है तो रीअरेंजमेंट करवाना है, और यहां साफ साफ नजर आ रहा है कि 1-2 मिथाइल शिफ्ट होगा, तो यहां रीअरेंजमेंट होगा जिसको मैं बोल देता हूं 1-2 मिथाइल शिफ्ट, 1-2 मिथाइल शिफ्ट, और शिफ्ट होने के बाद जो नया कार्बोकेटाइन बना है वो आपके पास बना है कार्बन कार्बन, और यहां कार्बन ये एच और ये CH3 और ये CH3। अब E1 मैकेनिज्म में हम उस H+ को बाहर करते हैं जहां से स्टेबल एल्किन का फॉर्मेशन होता है। तो यहां यहां पे पॉजिटिव चार्ज है तो मैं इस H को हटा सकता हूं, इस H को हटाऊंगा तो लेस स्टेबल बनेगी, बट इस H को हटाऊंगा तो मोर स्टेबल एल्किन का फॉर्मेशन होगा, और फाइनली जो एल्किन का आपके पास फॉर्मेशन होगा वो ये वाला बनेगा, और दूसरी एल्किन की जो पॉसिबिलिटी आती है वो ये वाली बनेगी, बट ये वाला जो प्रोडक्ट है वो मेजर होगा, ये वाला प्रोडक्ट आपका मेजर होगा। तो इन दोनों एल्किन की अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो दिस एल्किन इज मोर स्टेबल ड्यू टू
12 अल्फा हाइड्रोजन और इस एल्किन के पास ओनली 4 अल्फा हाइड्रोजन है, तो मेजर प्रोडक्ट इसमें क्या बन रहा है, सेजे प्रोडक्ट बन रहा है। तो जो फर्स्ट है उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसमें जो एल्किन बनी है वो सेजेप एल्किन बनी है, फर्स्ट ऑप्शन को हमने चेक किया। लेट्स सी सेकंड जो दिया हुआ है, सेकंड में क्या बनेगा, सेकंड की बात करते हैं, एक एल्किल हैलाइड दिया हुआ है एल्कोहलिक KOH, E2 मैकेनिज्म से रिएक्शन आएगी और यहां जो कंपाउंड बनेगा उसको हम देखते हैं कि CH, ये CH3 और ये CH3, CH, ये BR और यहां दिया हुआ है आपको CH3 और एल्कोहलिक KOH दिया हुआ, तो E2 मैकेनिज्म से, तो यहां भी दो पॉसिबिलिटी आएगी कि ये H+ बाहर जा सकता है और इस BR को बाहर कर सकता है। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि कार्बन कार्बन और ये डबल बॉन्ड CH और CH3 जो कि मेजर प्रोडक्ट है, और सेकंड पॉसिबिलिटी है कि ये वाला H जाए, तो सेकंड पॉसिबिलिटी में अगर वो वाला H जाएगा तो कार्बन कार्बन ये H और ये CH डबल बॉन्ड CH2 ये प्रोडक्ट है आपका माइनर। तो मेजर प्रोडक्ट ये ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू 3, 3, 6 और 3, 9 अल्फा हाइड्रोजन इसके पास, और इसके पास बात करूं तो ओनली 1 अल्फा हाइड्रोजन, तो ये वाली आपका हाफमान है और ये वाला सेजेप है, बट मेजर प्रोडक्ट सेजेप बना है, तो सेकंड में भी जो प्रोडक्ट आया है वो सेजेप आया है, समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं थर्ड कंपाउंड की, थर्ड ऑप्शन जो दिया हुआ है, थर्ड ऑप्शन में जो दिया हुआ है वो कंपाउंड दिया हुआ है और CH3 CH3 CH और CH BR और ये CH2H, यहां जो रिएजेंट दिया हुआ है इस रिएजेंट की स्ट्रक्चर सही नहीं है, आई थिंक ये शुड बी दिस रिएजेंट होना चाहिए टर्शियरी ब्यूटोक्साइड और इसकी स्ट्रक्चर होनी चाहिए, एक कार्बन मिसिंग है इस स्ट्रक्चर में, तो ये स्ट्रक्चर होनी चाहिए CH3 CH3 O- और K+ टर्शियरी ब्यूटोक्साइड आयन, इस स्ट्रक्चर में कार्बन मिसिंग है, तो हो सकता है जेई इसका क्या आंसर दे, बट यहां पे ये प्रॉपर रिएजेंट नहीं दिया हुआ, हम एज्यूम कर रहे हैं कि इस रिएजेंट को ये होना चाहिए, तो ये टर्शियरी ब्यूटोक्साइड आयन है जो कि बल्की बेस है, ये बल्की बेस है और बल्की बेस जो है वो रिमूव बल्की बेस रिमूव लेस हिंडर्ड बीटा हाइड्रोजन, बल्की बेस है तो लेस हिंडर्ड बीटा हाइड्रोजन को हटाएगा, तो ये अल्फा ये बीटा और ये बीटा, तो आपके पास दो बीटा हाइड्रोजन है, इस बीटा हाइड्रोजन ये मोर हिंडर्ड है क्योंकि आइसोप्रोपाइल ग्रुप का रिपल्शन लग रहा है और ये हाइड्रोजन लेस हिंडर्ड है, तो ये वाली हाइड्रोजन जाएगी बाहर और ये यहां से यहां और ये BR बाहर हो जाएगा। तो आप देखें कि अगर ये H जाती तो स्टेबल एल्किन बनती, ये H जा रही है तो लेस स्टेबल एल्किन बन रही है, मतलब यहां जो मेजर प्रोडक्ट आने वाला है वो ये आने वाला है कार्बन और ये CH डबल बॉन्ड और ये CH2, लेस स्टेबल एल्किन है, मेजर प्रोडक्ट भी यही हुआ है और इसको मैं बोलूंगा हाफमान एल्किन, मतलब ये सेजेप प्रोडक्ट नहीं बना है, तो यहां पे जो एल्किन बनी है वो हाफमान बनी है। यहां बात करें तो हीट E1CB मैकेनिज्म से रिएक्शन जाएगी और एल्किन स्टेबल एल्किन फॉर्म्ड स्टेबल एल्किन और वो क्यों है ड्यू टू कॉन्जुकेशन, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बीटा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड है, तो यहां E1CB से स्टेबल एल्किन बनेगी, तो यहां भी सेजेप यहां भी सेजेप यहां भी सेजेप, और क्वेश्चन में हमें पूछा हुआ कि किसमें सेजेप प्रोडक्ट नहीं बनता, तो केवल सी ऑप्शन ऐसा है जिसमें सेजेप नहीं बनता, सी में थोड़ी प्रॉब्लम भी है, रिएजेंट प्रॉपर आपको दिया हुआ नहीं है, फिर भी अगर मैं थर्ड में अगर रिएजेंट ये मानूं तो आंसर जाएगा सेकंड, तो आंसर शुड बी सेकंड और डिपेंड करेगा जेई इसको सही अगर रिएजेंट को मान के देती है तो आंसर थर्ड आएगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन बोनस हो जाएगा, तो आंसर शुड बी थर्ड, द थ्योरी दैट कैन कंप्लीटली प्रॉपरली एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग NiCO4, प्रॉब्लम यहां भी है
CO एक्चुअली में CO कार्बोनिल है, और JE के यहां तो सही प्रिंट किया हुआ है, बट JE में इसको ऐसे दिखाया हुआ है पेपर में NiCO4, जो कि साइन है कोबाल्ट का, तो प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं दी हुई, बट यहां बाकायदा सही करके लिखा है मैंने कि निकिल कार्बोनिल की बात हो रही है। आप क्वेश्चन को देखें कि कंप्लीटली प्रॉपरली एक्सप्लेन, हमें पता है कि NiCO4 जो कॉम्प्लेक्स है, यह कॉम्प्लेक्स सिनर्जिक बॉन्डिंग रखता है, और सिनर्जिक बॉन्डिंग की हम बात करें तो सिनर्जिक बॉन्डिंग निकिल के डी ऑर्बिटल कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड का पाई एंटी बॉन्डिंग सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी केवल आयनिक करेक्टर को एक्सप्लेन करती है, तो पूछा है कंप्लीटली प्रॉपर एक्सप्लेन, तो ये थ्योरी हर चीज को एक्सप्लेन नहीं करती। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो वार्नर के बाद सेकंड नंबर की थ्योरी थी, ये भी एक्सप्लेन नहीं करती। वार्नर थ्योरी कुछ ही कॉम्प्लेक्स पे लागू होती है, इनकी बात नहीं करती। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में कमी क्या है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी डू नॉट एक्सप्लेन कोवेलेंट करेक्टर बिटवीन लिगेंड एंड मेटल एटम। यह इस थ्योरी का ड्रॉबैक है, किसका, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का। यह एक्सप्लेन नहीं करती कोवेलेंट करेक्टर को लिगेंड और मेटल के बीच में, बट एमओटी वेल एक्सप्लेन करती है, क्योंकि हम कार्बोनिल इसकी सीओ की अगर एमओटी देखे तो पाई एंटी बॉन्डिंग वेकेंट है, जिसके कारण यह सिनर्जिक बॉन्डिंग शो कर रहा है। तो प्रॉपरली एक्सप्लेन अगर इस कंपाउंड के बारे में हमें करना है तो उसके लिए बेस्ट जो थ्योरी होगी वो होगी मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो आंसर फोर्थ इज करेक्ट आंसर। प्रॉब्लम बिलोंग कर रही है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से, जहां आपको अलग अलग थ्योरी दी हुई है, वार्नर थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो आंसर आएगा इसका फोर्थ, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। द नंबर ऑफ कायरल कार्बन इन क्लोरोमेफेनिकोल इज, इस क्वेश्चन की बात करें तो इन्फॉर्मेशन बेस्ड ही है, आप तभी इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो जब आपको क्लोरोमेफेनिकोल की स्ट्रक्चर पता हो। क्वेश्चन बिलोंग कर रहा है केमिस्ट्री नो एडी लाइफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, तो क्लोरोमेफेनिकोल की जो स्ट्रक्चर है, अगर स्ट्रक्चर है तो कायरल सेंटर कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो ये वाली स्ट्रक्चर होती है क्लोरोमेफेनिकोल की, NO2CH OH CH CH2OH NH CO CH and Cl and Cl, दिस इज क्लोरोमेफेनिकोल। पूछा है नंबर ऑफ कायरल सेंटर, यू नो कायरल सेंटर sp3 हाइब्रिडाइज एटम हैव डिफरेंट फोर ग्रुप, तो अगर इसकी बात करें तो ये भी कायरल सेंटर जनरेट हो गया, इसकी बात करें तो ये भी कायरल सेंटर जनरेट हो गया। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है तो आंसर शुड बी सेकंड इज करेक्ट आंसर, दिस इज क्लोरोमेफेनिकोल। क्लोरीन रिएक्ट विथ हॉट एंड कंसंट्रेट NaOH एंड प्रोड्यूस कंपाउंड एक्स एंड वाई, कंपाउंड एक्स गिव व्हाइट प्रेसिपिटेट विथ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि AgNO3 सॉल्यूशन के साथ वो व्हाइट पीपीटी दे रहा है, और AgNO3 के साथ व्हाइट पीपीटी किसकी होती है, AgCl की व्हाइट पीपीटी होती है। द एवरेज बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन Cl एंड O एटम इन Y, तो सबसे पहले हमें रिएक्शन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। वेल नोन रिएक्शन है कि Cl2 की रिएक्शन हॉट और कंसंट्रेट NaOH से करवाते हैं, आप ध्यान रखें ये हॉट है और कंसंट्रेट है, तो हमें पता है कि डिसप्रोपोनेट रिएक्शन होती है, और जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा NaCl प्लस NaClO3। अब यहां बोला है कि इनमें से अक्स कौन सा है, वाई कौन सा है, उसको आइडेंटिफाई करेंगे, तो वो बोल रहा है कि जो कंपाउंड अक्स है वो व्हाइट पीपीटी दे रहा है सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ, तो जहां Cl माइनस आयन फ्री है, यहां पे Cl माइनस आयन फ्री है, तो इसको अक्स बोलूंगा और इसको मैं वाई बोलूंगा। इसकी रिएक्शन कराओगे
AgNO3 सॉल्यूशन से तो AgCl की वाइट पीपीटी आएगी। तो ये वाई है, ये अक्ष है। अब वाई में बोल रहा है कि द एवरेज बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन Cl एंड ऑक्सीजन एटम इन वाई। तो वाई में अपने पास सोडियम क्लोरेट बना है और ये जो कंपाउंड है वो है Na प्लस और ClO3 माइनस। इस कंपाउंड में क्लोरीन और ऑक्सीजन के बीच में एवरेज बॉन्ड ऑर्डर की बात कर रहा है। तो सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर देखें तो Cl डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और ऑक्सीजन पे नेगेटिव, दिस इज क्लोरेट आयन। अब बॉन्ड ऑर्डर अगर हम निकालें, अगर कंपाउंड इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो कर रहा है तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो यहां टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड देखो तो 1, 2, 3, 4, 5, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड 5 है। सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो 1, 2, 3, 3 सिग्मा है। इसको सोलो करोगे तो बॉन्ड ऑर्डर आपका क्लोज आएगा 1.66 के क्लोज। तो मतलब रेंज जाएगी 1.6 से 1.67। तो आंसर शुड बी 1.66 आंसर इज करेक्ट आंसर। ये प्रॉब्लम मतलब केमिकल बॉन्डिंग को मिक्स किया है, हेलोजन की रिएक्शन को मिक्स किया है, NaOH की प्रॉपर्टी को मिक्स किया है, AgNO3 की प्रॉपर्टी को मिक्स किया है। अच्छा क्वेश्चन था, बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1.66। आई होप आपने प्रॉब्लम को एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।